भारत का जीवन दर्शन है वो ये सिखाता है कि अनेकता में एकता, कि कैसे तमाम चीजें बिखरी हुई हैं लेकिन उसके बावजूद भी जुड़ी हुई है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो छोटे से छोटे जीव में है वही ब्रह्मांड में है, जो हमारे अंदर है वही आपके अंदर है। जल्दी से अपने कैरियर को प्राप्त कर लेना है, दौड़ मची हुई है, हम भागे जा रहे हैं, लेकिन जो ठहरने की परंपरा है वो सिर्फ हिंदुस्तान की धरती में है। कि जीवन में भागने से कुछ नहीं मिलता, मिलना उस दिन शुरू होता है जिस दिन आप ठहर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। आज भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो चलिए अब इंतजार को खत्म कर स्वागत करते हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के CMD और एडिटर इन चीफ माननीय श्री उपेंद्र राय जी। मेरा विषय है भारतीय जीवन दर्शन और आधुनिक मूल्य। आधुनिक जीवन मूल्य और भारतीय जीवन दर्शन क्या है, इस बात से मैं शुरुआत करना चाहता हूं। आप कल्पना करें कि महात्मा बुद्ध नंगे पांव भारत देश की किसी गली में भिक्षा पात्र लेके खड़े हैं और एक तरफ दुनिया के सारे उद्योगपतियों को एक साथ खड़ा कर दीजिए उनकी पूरी नेटवर्थ के साथ, तो आप लोग किसे ज्यादा अहमियत देना चाहेंगे, एक भिक्षा पात्र लेके एक गली में खड़े महात्मा बुद्ध को या इन सारे उद्योगपतियों को? जहां मैंने सवाल पूछा था वहां लोगों ने एक स्वर से कहा था कि महात्मा बुद्ध को, तो मैंने पूछा था कि आखिर क्यों, तो किसी ने कहा कि महात्मा बुद्ध ने ज्यादा त्याग किया। मैंने पूछा कि भाई ज्यादा त्याग किया इसके अलावा क्या किया, तो वहां उपस्थित विद्यार्थियों ने कहा कि उन्होंने अपने पिता की गद्दी ठुकरा दी। दोनों उत्तर जायज हैं, लेकिन इसके ऊपर भी एक बात है जो मैं समझता हूं। बात यह है कि महात्मा बुद्ध ने अपनी आत्मा को प्राप्त किया, महात्मा बुद्ध ने जीवन को प्राप्त किया। महात्मा बुद्ध से ज्यादा आत्मवान व्यक्ति शायद भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर उतरे, उसके अलावा दूसरा व्यक्ति नहीं उतरा। हमारे जो वेद वेदांत में संस्कृति में दूसरा एग्जाम्पल देना चाहूंगा, आदि शंकराचार्य के बारे में जो कोई भी थोड़ा भारत भूमि में पैदा हुआ है जरूर जानता होगा। आदि शंकराचार्य सनातन अद्वैत के बारे में पूरे देश में घूम घूम के प्रचार कर रहे थे। उनका बनारस जाना हुआ, वो सीढ़ियां चढ़ रहे थे और एक लंबा चौड़ा चांडाल सीढ़ियां उतर रहा था। जब वो आदि शंकराचार्य के समानांतर आया तो आदि शंकराचार्य ने अपनी जगह थोड़ा सा बदल के उससे बचने की कोशिश की। फिर चांडाल जोर से हंसा और कहा कि तुम तो वही हो जो ये कहा करते हो कि जो ब्रह्म में है वही जीव में है, सभी जीवों में एक ही ब्रह्म है, वही सब जगह चराचर में है, सब जगह व्याप्त है, तो फिर तुमको अपने में और मेरे में अंतर कैसे दिखाई दिया, तुमने बचने की कैसे कोशिश की? गंवार से दिखने वाले, अनपढ़ से दिखने वाले उस चांडाल के मुंह से ऐसी बात सुनते ही शंकराचार्य उस चांडाल के चरणों में गिरे और उन्होंने माफी मांगी और उन्होंने कहा कि अभी तक सिर्फ मैं शब्दों की जादूगरी से खेल रहा था, मुझे ज्ञान तो आपके इस एक वाक्य ने दिया है। भारत भूमि एकलौती ऐसी रही है जिसमें सामंजस्य समन्वय इतना गहरा रहा है कि मतभेद होते हुए भी, मतों का अंतर होते हुए भी एक दूसरे के लिए गहरा सम्मान रहा है। हमारे भारत भूमि में जल्दी पा लेने, जल्दी पहुंच जाने के कारण आप क्या खो देते हैं इसका आपको अंदाजा नहीं लगता, पता नहीं चलता। आप इतना तेजी से भागते हैं कि जो आपके पीछे आना चाहता है उसको आप देख ही नहीं पाते। व्यक्ति के अंदर जरा भी चेतना है तो उसका रूपांतरण कैसे हो? तो कहानी है कि एक
जौहरी जंगल के रास्ते जा रहा था और उसने देखा कि एक कुम्हार गधे पर बैठा हुआ जा रहा है और लेकिन गधे के गले में एक बहुत चमकीला पत्थर लटक रहा था। जौहरी ने देखते ही पहचान लिया कि ये बहुत ही बहुमूल्य हीरा है। उसने कुम्हार से कहा, तुम्हारे गधे के गले में जो ये पत्थर लटका दिखाई दे रहा है, इसको कितने में बेचोगे? उसने कहा कि हुजूर 8 आने में। तो उसने कहा, क्या बात करते हो, 4 आने से ज्यादा मैं नहीं दूंगा। कुम्हार भी जिद्दी किस्म का आदमी था, उसने कहा कि मैं 6 आने से कम में नहीं बेचूंगा। जौहरी को लगा कि ये कितनी दूर जाएगा, पैसे का लालच किसको नहीं खींच लाता है। बहुत देर निकल गई तो जौहरी को लगा कि देखना चाहिए। जब वो ढूंढते ढूंढते उस कुम्हार के पास गया तो देखा कि उसके गधे के गले में से वो चमकीला पत्थर गायब है। तो उसने कहा कि वो पत्थर कहाँ गया? उसने बोला, किसी ने खरीद लिया। बोला, कितने में बेचा? उसने कहा, 1 रुपए में। और अच्छा ही हुआ कि आपको नहीं बेचा, नहीं तो 8 आने 4 आने 6 आने में बेचता तो मुझे बड़ा नुकसान होता। तो जौहरी ने कहा कि कितने बेवकूफ हो तुम, लाखों का हीरा 1 रुपए में बेच दिया। तो कुम्हार ने कहा कि मैं तो बेवकूफ हूं ही, तभी तो गधे के गले में इतना महंगा हीरा बांधे घूम रहा था, मुझे तो इसकी समझ नहीं थी, लेकिन आपके बारे में क्या कहूं, जिसको ये समझ थी कि ये लाखों का है। तो मैं अपनी कहानी से बताना चाहता हूं कि हमें भी बहुत सारी चीजों की समझ है, लेकिन उस जौहरी की तरह हम कीमती चीजों की कीमत 4 आने लगा रहे हैं। भारत लिटरेचर फेस्टिवल के इस मंच से एक और बात कहना चाहूंगा कि जो न्यायप्रियता हमारे समाज में रही है, जैसे महाभारत की एक कथा के बाद अपनी बात समाप्त करने की तरफ बढ़ूंगा, आप सबने देखा होगा कि कौरवों पांडवों की योग्यता की परीक्षा हो रही थी रंगशाला में, तो न्याय करने की क्षमता की भी परीक्षा हुई। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 लोगों के ऊपर एक मुकदमा आया। पहला मौका दुर्योधन को दिया गया। मुकदमा यह था कि इन्होंने मिलकर एक आदमी की हत्या की है। तो दुर्योधन ने कहा, इसमें देखना क्या है, हमारे न्याय दंड के ही विधान से इनको मृत्युदंड दे दिया जाए। वही मुकदमा युधिष्ठिर के पास ले जाया गया। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मेरी समझ से जो शूद्र है उसको सबसे कम दंड मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अनपढ़ है, इसको ज्ञान नहीं है। वैश्य को उससे थोड़ा ज्यादा दंड मिलना चाहिए, क्योंकि अपनी वृत्ति के विपरीत जाके इसने काम किया। क्षत्रिय को इससे ज्यादा मिलना चाहिए, क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, ये रक्षा कर सकता था, उल्टे हत्या में शामिल हो गया, इसलिए वैश्य से ज्यादा दंड इसको मिलना चाहिए। और ब्राह्मण को उन्होंने मृत्यु दंड सुनाया। तो पूछा गया, ब्राह्मण को मृत्यु दंड क्यों? बोला, इन सब में सबसे ज्यादा ज्ञानी ब्राह्मण था, जो सबको समझा के इस मसले को हल कर सकता था, जिससे एक आदमी की हत्या नहीं होती। तो इसलिए ब्राह्मण सबसे ज्यादा पाप का भागी है और इसको मैं मृत्युदंड देना चाहूंगा। हमारी न्याय संहिता में महाभारत की यह घटना बहुत अच्छे से रेखांकित की गई है और इसके आधार पे हजारों फैसले हुए हैं अदालतों के द्वारा। जो न्याय और जो प्रशासन और जो अनुशासन हमारे जीवन में है, वो भी हमारे इस सदी का आधुनिक मूल्य है। आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं सदैव अनुग्रहित रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।